देश में खाली हैं अभी 9,97,000 पद, जिसमें केंद्र सरकार के सभी विभागों का विभागवार लिस्ट जारी की है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार के एक मंत्रालय, एक मिनिस्टर के द्वारा दी गई है। संसद में सुशील कुमार मोदी के प्रश्नों के आधार पर जब उन्होंने ये पूछा कि 10 लाख पर ईयर नौकरी देने के वादे का क्या हुआ है, तो सुशील कुमार मोदी के प्रश्नों के जवाब में केंद्रीय मंत्रालय के एक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने ये जवाब दिया कि कौन से मंत्रालय में अभी भी कितने पद खाली हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, जिसका चयन इस वजह से किया गया था ताकि वो एक नकल विहीन परीक्षा करा सके और परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया, उसको कंस्टिट्यूट कर दिया गया है। किस विभाग में कितने पद खाली हैं ये विभागवार लिस्ट बताई है, इसकी जानकारी दी है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। तो अगर बात करें तो यहाँ पर आपको विभागवार मंत्रालय में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो कि आपको पता हो 21 मार्च 2021 तक का डेटा है। ये डेटा 21 मार्च 2021 तक का है कि इसमें इस मंत्रालय में इतने पद खाली हैं। और ये डेटा आप सभी के लिए उपलब्ध है, आप राज्यसभा की वेबसाइट पर जाके इस सभी प्रश्नों के उत्तर को देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले रेलवे मंत्रालय की बात की है, जिसका कार्यभार अश्विनी वैष्णव जी के पास है। रिक्त पदों की संख्या है 2,93,943। अगले पद की बात करते हैं तो यह है सिविल डिफेंस, इसमें रिक्त पदों की संख्या है 2,64,706। फिर अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय में रिक्त पदों की संख्या है 1,43,536। अगर आगे की बात करते हैं तो डाक विभाग में रिक्त पदों की संख्या है 90,050। उसके बाद आगे बात करते हैं रिवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि राजस्व विभाग की, अगर बात की जाए तो राजस्व विभाग में रिक्त पदों की संख्या है 80,243। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या है 25,934। और अगर नेक्स्ट बात की जाए तो इतने पद जो है मोटे मोटे तौर पर जिन्होंने जितेंद्र सिंह जी ने भी बताया कि इतने पद खाली हैं। अब सुशील कुमार मोदी जी का एक और सवाल था कि कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी आपने अभी तक फुलफिल की है और कितनी बाकी है, इसका ब्यौरा भी उपस्थित कराया जाए, तो राज्यसभा की इस वेबसाइट पर जाकर आपको वो भी मिल जाएगा। और यदि आप लोग ये देखना चाहते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, तो उस चीज़ को मैं डिस्क्रिप्शन में लिखा दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उस चीज़ का लिंक दे दूंगा, आपके लिए वो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, कि किस विभाग में किस स्तर पर कितनी वैकेंसीज खाली है। एक सवाल इन्होंने और पूछा था सुशील कुमार मोदी जी ने, वो सवाल ये था कि जो ये रोजगार मेला लग रहा है, इस रोजगार मेले के तहत दी जाने वाली जॉब सिर्फ रेलवे की होंगी या फिर अन्य भी विभागों की जॉब रोजगार मेले के द्वारा दी जाएंगी। तो इसके जवाब में भी गृह उनकी तरफ जितेंद्र सिंह जी ने ये बताया है कि रोजगार मेले में अभी तक दी जाने वाली जॉब जो है वो NTPC का ज्वाइनिंग लेटर और ग्रुप डी के ज्वाइनिंग लेटर को ये जो है मार्च से अप्रैल तक में दे दिया जाएगा। कहाँ से? मार्च से अप्रैल तक में दे दिया जाएगा। उसके बाद सारी वैकेंसी जो रेलवे की, अभी यहाँ पर आप लोगों ने रिक्त देखी कि रेलवे में आने वाले पदों की संख्या जो है 2,93,943 है। इन पदों पर अगली भर्तियां आएंगी, तो कहना सिर्फ इतना है कि इन पदों की अगली भर्तियों के लिए आपको अभी से अपनी मेहनत करनी है। और ये सारी की सारी चीज़ें राज्यसभा की वेबसाइट, ऑथेंटिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। साफ साफ मंत्री कह रहे हैं, मंत्रालय के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है। ये है रेलवे और अन्य मंत्रालयों में भर्तियों की संख्या। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई में आपको लगाना है 4 चांद। तो अगली भर्ती जो होगी रेलवे की वो होगी ALP+ टेक्नीशियन की, और इसके साथ साथ एक भर्ती आपको और मिलने वाली है जो कि होगी RRBJEE की, क्योंकि 2018 के बाद से इसकी भर्तियां नहीं आई हैं। लगभग लगभग 4 साल हो रहे हैं, 4 साल में इसकी वैकेंसीज नहीं आई। 19 में आखिरी वैकेंसी ALP एंड टेक्नीशियन की थी,
जिसका एग्जाम हुआ था। तो इस बार सबसे पहली भर्ती आएगी एलपी टेक्नीशियन के साथ साथ जेई की और आरपीएफ की। ये वैकेंसियों की बहुत डिमांड है और ये सबसे पहली आएंगे। तो इन्हीं की तैयारी के लिए हमारे पाठशाला रेलवे एग्जाम ने आपके लिए तैयार किया है मैथ स्पेशल बैच, जिसमें आपको पूरी की पूरी अर्थमेटिक, एडवांस, डीआई और कैलकुलेशन का पूरा पार्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज, लेवल वाइज, चैप्टर वाइज। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको होंगे, कॉन्सेप्ट की पूरी क्लियरिटी होगी, आपका कॉन्सेप्ट एकदम 101% क्लियर होने वाला है। 4000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। असाइनमेंट के रूप में आपको पीडीएफ मिलेगी और बेस्ट मेथड्स का इस्तेमाल होगा। मैथ्स का ये कोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए रामबाण होने वाला है, तो बिना देर किए हुए आप इसको ले सकते हो। आपको करना क्या है, माई पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पर रेलवे के सेक्शन में जाकर कूपन कोड अप्लाई करना है A10। इस कूपन कोड को अप्लाई करने से फायदा यह होगा कि ये जो मैथ्स का कोर्स अभी आपके पास ₹1000 का, इस पर 60% डिस्काउंट के बाद ये मात्र आपको ₹400 का मिलेगा। जिन बच्चों के लिए मैथ समस्या है तो ये उनका आखिरी कोर्स होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर एक और बात है जो कि सब्सक्रिप्शन की है, आप पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा CBT 1, पूरा CBT 2 और पूरा का पूरा ये पार्ट बी में जो आने वाले ट्रेड्स हैं ये मिलेंगे। इसके लिए भी आपको माई पाठशाला के एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है। जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे A10, ये आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, कैपिटल A10, ये कूपन कोड अप्लाई करने पर ये जो ₹2400 का कोर्स है आपके लिए मात्र 1200 का हो जाएगा, यानी 50% डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिलेगा। कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 50%। तो तैयारी को स्ट्रेंथन दीजिए, शुरुआत करिए अभी से, आगे आने वाले समय में समय नहीं मिलेगा और फिर आपके ये पछतावा ना हो कि अगर तैयारी कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। तैयारी को स्ट्रेंथन कीजिए मई पाठशाला रेलवे एग्जाम के साथ। मैं अनुराग दीक्षित इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।